वेलकम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चंस लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन का जो प्लेलिस्ट है वो शानदार है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो मैंने समझा कि कुछ थोड़ा जिसमें कैलकुलेशन हो ऐसे सिंप्लीफिकेशन कराए जाएं, स्पेशली IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट को ध्यान में रख करके। तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। माई डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और फिर स्पेस मिल जाएगा उसके लिए। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ये फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं कि होल नंबर एक तरफ और बाकी फ्रैक्शन एक तरफ, जिसका बड़ा भाग मन में हो जाता है। आप जानते हैं कैसे? मैं कहता हूं कि 1/5 इज कैंसल्ड, 2/5, 2/7, 14, 10, 24/35, और कहता हूं 4 और 2 6, 3 less 3 and 12, 15 and this answer direct, 15 and 24/35, तो इसका आंसर ये हुआ, ए इज द आंसर। कैसे? तो कैसे का आधार ये है कि हमने पहले 2 + 4 - 3 + 12 इसका कैलकुलेशन किया। बोलिए समझ में आ रहा है? इसके बाद सेकंड पार्ट में जब हमने ऐसे देखा कि ये 2/5 है, देखिए +1/5 है, -1/5 है और +2/7 है, तो उसे कैसे करें ये देखा। जैसे ही देखा तो हमें समझ में आया कि ये 15 है, और हमें ये समझ में आया कि ऐसे 14, 10, 24/35, यही कैलकुलेशन का आधार था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आ जाइए यहां बात करते हैं, एक नंबर से बात करते हैं। अच्छा, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था ना, तो फर्स्ट नंबर से बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। दरअसल इसे कैसे करते हैं पता है? पहले मैं कर डालता हूं फिर बताऊंगा कैसे। मुझे दिखाई देता है मुझे दिखाई देता है मुझे दिखाई देता है और 3, 2, 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल, बस यही कैलकुलेशन होगा। 693.91872 ए द आंसर। सवाल है हाउ, मैं बताता हूं। 1-1 वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, बेसिक कैलकुलेशन में आप सीखे हैं। दरअसल हमने क्या किया, 8 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 11, डेसिमल छोड़ दीजिए, into 111, लाइक दैट, या आप चाहे जो बोल लें, यहां दे दें न दें, जो भी करें। ये 8³ क्या होता है, 512, और इसको हमने 111 से पहले किया, फिर एक बार और 111 से किया,
फिर एक बार और 11 से किया एंड दिस इज द रिजल्ट. और 1-1 वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है यह आपको पता है, आप बेसिक कैलकुलेशन में देख लेंगे. ये शानदार टाइप है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं. तो ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशल है. मैं कहता हूं 203% ऑफ 412. बताता हूं कैसे. मुझे दिखाई देता है फर्स्ट पार्ट. मुझे ये दिखाई देता है 812 और मुझे दिखाई देता है 12.36. मैं बता रहा हूं जो मुझे दिखाई देता है, फिर मैं बताऊंगा कैसे. और माइनस मुझे दिखाई देता है 111% ऑफ 41 1554. और ये इसे ही लेस करना है. लेस करने का भी तरीका होता है. मैं कहता हूं कि 36 हटा दें तो 9 न बचे, और 36 हटा दूं 36 तो 15 न बचे, और ये 800 ना हो 790.85 ना हो 790.85 ना हो डी आंसर ना हो डी इज आंसर. बताता हूं कैसे. दरअसल 67 जो होता है ना, इंटू 3 करने से 201 होता है. दरअसल क्या है, हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं. असल में क्या होता है, 67 इंटू 3 अगर हम कर दें, 3 कॉमन लेकर के, 3 कॉमन लेके, तो ये 201 होता है. बड़ा फेमस रिजल्ट है. और यदि हम 2/3 को 3 टाइम्स करें तो ये 2 होता है. यही 203 होता है. और ठीक यही बात 37 इंटू 3 एक बड़ा फेमस रिजल्ट है 111, और हमने इससे 3 कॉमन ले लिया तो ऐसा हो गया. इसके बाद तो आपको समझ में आ ही रहा होगा. ठीक है, मिटा दूं. आइए नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन. सारे ही क्वेश्चन बहुत शानदार है. असल में क्वेश्चन में आपको देखने का है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहां से शुरू किया जाए. मुझे जो दिखता है, मैं एक बार पहले लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए. 45.325 प्लस 556.270 माइनस 1975.521 is equal to what plus 401.015. ये हमें करना है. हम लोग होल नंबर को अलग देखते हैं, डेसिमल को अलग देखते हैं. ये देखने पर एक अलग ही नजरिया डेवलप होता है. बताऊं कैसे. डेसिमल्स को जब हम देखते हैं, बता देता हूं, ये जो 2045 है, 556 है, माइनस 1975 है, और उसको भीतर ले आइए माइनस 401 है. लिखना जरूरी नहीं, मुझे समझाना है इसलिए, नहीं तो मैं यही कर दूंगा. ये एक पार्ट है. और दूसरा पार्ट है 0.325, फिर है आपका प्लस 0.270 माइनस 0.521 और माइनस इधर आ जाएगा 0.015. यही दो पार्ट में है. कैलकुलेशंस तो आसानी से होंगे. मैं इसे 36 क्यों न बोलूं, 36 यहां से हटा दूं तो 34 क्यों न बोलूं,
34 को 25 में ऐड करके 59 क्यों न भूलूं, ये तो मन में होगा, यानी ये दोनों मिलकर के 0.036 होगा, और इसे मैं इससे लिस्ट कर दूं तो ये दोनों मिलकर के -0.34 होगा प्लस, और ये दोनों मिलके ये होगा क्यों ना करूं। अच्छा, इसे लिस्ट करना है। देखिए, कर तो तरह तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे दिखता है कि इस 56 को यदि मैं 44 दे दूं तो ये 600 हो जाए, ये 1 खत्म ना हो जाए, पूरा क्वेश्चन आसान ना हो जाए। मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन की बात करता हूं बिना लिखे हुए, इसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है लिखने की। आप मुझे बताइए, इसके बाद कैलकुलेशन में कुछ रह जाएगा? जब ऐसे दिखेगा तो आपको साफ दिखेगा, साफ, कि इसे क्यों ना यहां से लेस कर दें, 25 रह जाए, इसे क्यों ना यहां से लेस कर दें, 200 रह जाए, तो 225.059 क्यों ना हो जाए, बोली 225.059 ये क्यों ना हो जाए। सी द आंसर, क्यों ना लिखे। दरअसल इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं और इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं, ये सब लिखे बिना यहां कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहां पर कुछ कैलकुलेशन मन में कर लिए तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने इसको करके दिखाया, वैसे ही यहां पर नहीं दिखाया, ऐसे कर लीजिए, क्या जरूरी है दिखाने का, समझ गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 45% ऑफ 502 को हम 502% ऑफ 45 क्यों ना बोले, 500% का मतलब 5 टाइम्स क्यों ना बोले, 10 टाइम्स 450 होता है, तो हम इसे 225 क्यों ना बोले। रहा सवाल 2% का, तो 0.90 क्यों ना बोले, खत्म, बता दूंगा करके। 37% ऑफ 220 क्यों, दो तरह से, चूंकि 11 फैक्टर है तो अलग तरह से भी सोच सकते हैं हम लोग इसको। 70 74% ऑफ 110 क्यों ना बोले, 110% ऑफ 74 क्यों ना बोले, 74% और 7.4 क्यों ना बोले, बता दूंगा कैसे। -40% ऑफ व्हाट नहीं मालूम, बात करेंगे। इधर ले आइए, सबसे अच्छा है, चलिए ले आएंगे बाद में। 271.5 ये है ना, इसको ऐसे लिखो। अब जरा सोचिए कि हम लोग कैसे लेस करें, क्या करें, आगे क्या करें। जरा देखिए, ये तो आके ऐड होगा ना, जिस ये वाला, अच्छा अच्छा प्लस, ये आके सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो सब्ट्रैक्शन में तो मन करता है कि हटाई देते हैं, ये 71 हटाना है तो 71 को यहां से हटा के 3 क्यों ना बोले, हटा देते हैं। 200 हटाना है तो हटा क्यों ना दे, 1.5 हटाना है, 0.5 यहां से हटा देते हैं तो 4 बचा, 0.4 बस। अब हमें दिखता है 25 एंड 10, 35.8 is equal to 40% of what, ये दिखता है। 40% किसका होगा, जिसका 2.5 टाइम्स होगा, 40% इसको बोले तो 100% किसको बोलेंगे, इसका ढाई गुना तो करने आ नहीं रहा, कैसे करें, बताता हूं ढाई गुना कैसे करेंगे। ये 36 माइनस 0.2 है कि नहीं, 36 का डबल हाफ करेंगे तो 90 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए।
इंटू 2.5 नहीं ना होगा, तो ये करने में बन नहीं रहा था, ये तो बन रहा है, ये 90 हो गया, और ये वाला कितना हो गया, जस्ट 0.5 माइनस 0.5, तो क्या 89.5 ना हुआ, 89.5, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है? देखिए मैंने इसमें क्या क्या किया उसको बताता हूं, क्या क्या किया गया। सबसे पहले 45% ऑफ 502 को लिखा गया 502% ऑफ 45, और इसका मतलब 500% देन 2%, और हम लोग जानते हैं कि हमने इसका 2 कॉमन लिया 37% ऑफ 220, इसको हमने लिखा 110% ऑफ 74, इसके बाद 100% और 10% में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद हम 40% का मतलब जानते हैं, देखिए 40% कुछ मालूम हो तो 100%, तो जो 100% होता है दरअसल वो क्या होता है 40% का 2.5 times, तो हमने 2.5 times कर दिया। तीन चीजें थी मेरे ख्याल से, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफिकेशन में और भी तरह तरह के क्वेश्चंस में लगातार कराता रहूंगा। ओके okay.